मुझ जैसे एक गरीब बेटे को जो मिला नाई समाज से आता हूँ मैं, बहुत छोटा सा समाज है सेन समाज, इस वर्ग को ये मिलना इतना बड़ा पद और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि मुझ पे पड़ी, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़, मैं हूँ शाहिन खान। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही प्रत्याशी घोषणा की भी सभी को इंतजार था और फाइनली कल शाम को हम वैशाली नगर की बात कर रहे हैं तो वैशाली नगर के लिए रिकेश सेन, जिन्होंने अपनी लंबी पारी राजनीति में खेली है, उनको यहाँ वैशाली नगर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके लिए हम सबसे पहले उनको बधाई देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल बहुत विश्वसनीय चैनल है और आप लोगों ने तो पहले से शायद ब्रेकिंग चला दिया था, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। आपने एक लंबी पारी 25 साल की राजनीति में खेली है, पार्षद रहे हैं और एक ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं आप अक्सर आने के लिए, ऐसा विवादों में भी रहता है और चर्चाओं में भी, तो इस बार क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैं तो अपना पार्टी का कार्यक्रम जो मुझे मिले थे OBC मोर्चा के, वो काम मैं कर रहा था और जब अचानक सूचना आई तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैंने प्रदेश नेतृत्व से जानकारी चाही कि क्या ये सत्य है कि मुझे वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपको बनाया गया है। मैं आँखों में आंसू थे क्योंकि मुझ जैसे गरीब बेटे को जो मिला, नाई समाज से आता हूँ मैं, बहुत छोटा सा समाज है सेन समाज, इस वर्ग को ये मिलना इतना बड़ा पद और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि मुझ पे पड़ी, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पे विश्वास जताया है तो उनको इस बार 51,000 अधिक मतों से जिता के वैशाली नगर विधानसभा की सीट देनी है। आप निर्दलीय पार्षद भी दो बार रह चुके हैं, एक जनता का विश्वास होता है, निर्दलीय जीत कर आना एक प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आपने निर्दलीय पारी भी आपने जीती, आपको क्या लगता है अभी जो विश्वास आप पर किया गया है और वैशाली नगर जो विधानसभा है उसके लिए आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, मुद्दे क्या क्या होंगे और किन को आप पूरा करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं 3 बार निर्दलीय पार्षद के रूप में जीता हूँ और उसके बाद पार्टी ने मेरे को नेता विपक्ष बनाया, OBC मोर्चा में संगठन में मंत्री बनाया और मैं लगातार 5 बार अलग अलग वार्डों से पार्षद रहा हूँ। मुद्दे मेरे आँखों के सामने हैं। आज भी कई कॉलोनियों में विकास कार्य से वंचित है, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, आज भी पीने के पानी की किल्लतें हैं, आज भी कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता इस वैशाली नगर विधानसभा में है, जितने तालाब हैं उसका रख रखाव की आवश्यकताएं हैं, तो बहुत से ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाना है। और इस 5 वर्षों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार, क्योंकि हमारी मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे तो उनके कार्यों पे रोक लगाने का काम इस सरकार ने किया है, तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जो है जनता के बीच में जाएंगे। सर, वैशाली नगर विधानसभा की जनता, क्योंकि आप पार्षद भी हैं, इतना विश्वास जताती है, आप कभी भी सांस्कृतिक आयोजन प्रयोजन हुए उन सब में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं, इन आयोजन प्रयोजन का कितना देन रहेगी इस चुनाव में? देखिए, जब भी हम कोई मूलभूत सुविधाओं पब्लिक के लिए करते हैं तो पब्लिक अपने नेता से ये चाहती है कि हम उनसे एक परिवार की तरह जुड़े, तो इसलिए हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करने पड़ते हैं, जैसे सावन मेला का आयोजन करते हैं, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, करवा चौथ का आयोजन है, तीज मिलन का कार्यक्रम है और लगातार आप देख रहे हैं कि अब जो त्यौहार का सिलसिला चालू हुआ है तो कई जगह हम लोगों को जो है जाने का अवसर मिलेगा, नवरात्रि में, गरबा में, तो क्राउड मिलेगा, क्राउड के में हम अपनी बातों को रख पाएंगे क्योंकि बहुत कम समय बचा है, डोर टू डोर जाना उतना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे समय में कोई भीड़ अगर एक साथ हमें 1,500 की संख्या में अगर मिल जाते हैं तो हम अपनी बातों को रख पाते हैं। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जो है एक बार विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने काम किया है, 25 साल मैंने काम किया है, मैं उस सदन का सदस्य रहा हूँ जब 100 रुपये में हमने लकड़ी पारित किया सामान्य सभा में, मुक्ति धाम में हिंदू भाइयों के लिए 100 रुपया, मुस्लिम भाइयों के लिए फट्टा जो है 100 रुपये में हमने दिया, क्रिश्चियन भाइयों के लिए ताबूत हमने 100 रुपये में दिया। ये मेरे 25 साल के कार्यकाल की सबसे सफलतम कार्य है। ऐसे मैंने कई कार्य किए हैं इस 25 साल के सक्रिय राजनीति में, मेरे बारे में जानिए, समझिए और अगर आपको लगता है कि मैं उपयुक्त प्रत्याशी हूँ तो आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिए।
अंत में एक निजी सवाल पूछना चाहूंगी कि सर, ये मान मनोबल का दौर चलेगा, क्योंकि एक ही अनार होता है, खाने वाले भी कई सौ बीमार होते हैं, अदरवाइज ना लीजिए तो फिर इसमें जिनको टिकट नहीं मिली उनको उनमें निराशा देखी जाती है, ऐसे मान मनोबल का दौर चलेगा, आप क्या इसमें करना चाहेंगे? देखिए, 100 प्रत्याशी होते हैं, दावेदार रहते हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलता है। उसके बाद जब टिकट एक को मिल जाता है तो सभी लोग, अभी यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सभी लोग जो दावेदार थे उन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और कई लोगों के यहाँ सुबह मैं खुद जाके सबसे बात करके आया हूँ, सब लोगों का आशीर्वाद मिला है। कल मैं जिला अध्यक्ष जी के पास भी कल आशीर्वाद मांगने गया था, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं विजय बघेल जी से भी मिला, मैं प्रेम प्रकाश जी पांडे जी से भी मिला, सत्यनारायण अग्रवाल जी से भी मिला, संगीता शाह जी से भी मेरी बातचीत हुई है, तो लगातार सबसे बात हो रहा है, कहीं नाराजगी जैसा कोई विषय नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया, देख रहे हैं लोगों का हुजूम बता रहा है कि आपके प्रति इन लोगों की कितने वो है। ठीक है सर, ओके। तो दर्शकों, आपने भी देखा, हम वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी से घोषित किए गए हैं, जो राकेश सेन उनके घर के आंगन में बैठे हुए हैं, लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा, इनके समर्थकों का जो हुजूम देखकर लग रहा है कि इनके प्रति कितनी सबको खुशहाली है, कितने खुश हैं कि उनको प्रत्याशी घोषित करने से। जिनकी हमने ये भी पूछा कि मान मनोबल का दौर अभी चलेगा क्या, क्योंकि पार्टी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनको टिकट ना मिली हो उनमें नाराज़गी देखी जाती है, लेकिन उन्होंने सिरे से नकारा है। जिन जिन ने टिकट मांगी थी और जिन्हें नहीं भी मिली है, वो भी सब इनके समर्थन में एकजुट होकर आगे आ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ में है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं शाहीन खान।